ये नकवी पार्क के सामने टंकी जो है न... बाहरी से नट्टा पता चल रहा है सब पानी वगैरह भी है। हेलो गाइस, ये देखिए ऐसी लग रही है यार, काफी टाइट लग रही है। सो गाइस, फाइनली अभी टाइम हो रहा है 1:53 और हम रेडी हो चुके हैं। क्यों रेडी हुए हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं फिर से एक बार शॉपिंग करने, और कुछ काम वह निपटाना है। और भाई, मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, कल वाला दिन मेरा एकदम सही बेकार गया यार, क्योंकि तबीयत ख़राब है, पैर में भी चोट लगी हुई है और एक गला वाला भी दिक्कत दे रहा है, तभी मैं टर्टल नेक इनर पहने हुआ हूँ। सो या अब देखते हैं भाई, और आज हम हिमांशु से भी मिलेंगे। हिमांशु आ चुके हैं, थोड़ा बाहर गया हुआ था तभी नहीं दिख रहा था व्लॉग में, और चलेंगे भाई अजहान के भी घर चलेंगे। सो या लेट्स गो। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एलआरपी मतलब अब जा रहे हैं हिमांशु के घर। सबसे पहले जाएंगे और उसको उठा के फिर जाएंगे शॉपिंग करने। सो लेट्स गो, चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं हिमांशु के घर। ए हे लौंडा दे ब्रो। बढ़िया भाई, बढ़िया। और बताओ कैसा लग रहा है, मेरे लुक कैसा लग रहा है? हम आए हुए हैं इन्वर्टर की शॉप पे, जहाँ पे हिमांशु का इन्वर्टर बनवाना है। तो ये नकवी पार्क के सामने टंकी जो है नकवी पार्क में, कई सालों से नकवी पार्क नहीं गए हुए यार। पहले जब पढ़ते थे यहाँ पे तो जाते रहते थे आप यार, भाई तो भूल ही गए यार। मुस्कुरा रहा है, देखो मक्खन लगा रहा है। सो गाइस, फाइनली हम खड़े हुए हैं नकवी पार्क के पास, और यहाँ पे अध्ययन लाइब्रेरी आपको पीछे दिख रहा होगा, लाइब्रेरी YDC कैंपस पे। एक बात यह है कि हाँ, लाइब्रेरी है जिसमें आपको पूरे दिन के लिए आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और इसकी फीस 700 रुपये है। बाकी अंदर जाके पता करते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं इसको। अरे बड़ा सन्नाटा है दोस्त, ये तो बाहरी सन्नाटा पता चल रहा है, सब पानी वगैरह भी है। और इसकी 2 ब्रांच है, एक वहाँ पे टेंडर के पास में सरकारी सदर जानते हो। सो गाइस, फाइनली हम बाहर आ चुके हैं लाइब्रेरी के। हिमांशु कैसा एक्सपीरियंस था? ठीक है, कर लिया। मैं तो भाई स्केर्ड हो गया भाई, क्या हो रहा है, इतना शांत माहौल था और मेरे को अच्छा लगा यार, पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। यहाँ पे बाइक इतनी खड़ी हुई हैं। सो गाइस, हम पहुँचने वाले हैं ब्रिज के नीचे, और पहुँच ही चुके हैं यार, और हम जाएंगे पहले अपने कपड़े लेने के लिए। तो चलते हैं भाई सफेल मार्केट वंस अगेन। पहुँच चुके हैं बड़े चौराहा, बड़ा चौराहा बोलते रहा है, क्या बोलते इसको, बड़ा चौराहा, बड़े चौराहे बोलते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक है एज यूजुअल। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं। अबे भाई, अबे इतनी तो गाड़ियाँ भी नहीं, जितना ही लोग बन रहे हैं ट्रैफिक के चक्कर में। सो फाइनली हम देखेंगे शर्ट यहाँ पे। सो फाइनली हमें ये पसंद आई है, कैसी लग रही है? ट्राई करके देखते हैं भाई। ये देखिए ऐसी लग रही है यार, काफ़ी टाइट लग रही है यार, छोटा साइज भी लग रहा है, तो पता नहीं यार, मेरे को बड़ा साइज चाहिए इसे। तो गाइस, फाइनली हम डन कर चुके हैं अपनी शर्ट, और रेडी हो रही है। वो शर्ट नहीं ली है जो हम लोग पहने थे, हमने थोड़ा उससे बड़ी ली है जो लॉन्ग टर्म में चल सके, और कोई मेरे को कंजूस नहीं बोलेगा। ले लिए भाई शर्ट, ले लिया। अब चल रहे हैं हम लोग मेडिकल की तरफ, मेडिकल में काम निपटाते थोड़ा सा। हिमांशु क्या फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि सालों से ही बैठे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं यार, ये पेमेंट नहीं कर रहे लोग। ये मेडिकल वाले इतने बिजी है ना, ऐसा लग रहा है बोले अम्बानी अम्बानी। तो गाइज, हमारी शॉपिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं हुई, पता नहीं ज़्यादा कम है। सो लेट्स गो। और ये है शिवम रेस्टोरेंट,
हमारा वन एंड ओनली पुराना सिम रेस्टोरेंट, यह है हमदर्द, हमदर्द एजेंसी। और ये है खपरेल मार्केट। खपरेल मार्केट मतलब ये न्यूयॉर्क लगता है मेरे को, न्यूयॉर्क एरिया। इतनी पब्लिक है यहाँ पे, ऐसा हो जाना चाहिए कि बाइक अंदर ना आए तो काफ़ी सही रहेगा, है नहीं माशू? यस ब्रो। भाई हम लोग आए थे स्टेशन पे कुछ काम के लिए, वहाँ पे इतनी भीड़ है भयंकर भाई साहब, पूरा लखीमपुर जा रहा है क्या? और वो त्यौहार भी नहीं है माशू, हमेशा ऐसे रहता है क्या हाल? भाई साहब गजब माहौल हो रहा है। सो ये भी जा रहे हैं लखनऊ के लिए। चले तू जा रहे हो ना, जा रहे हो ना? हाँ ठीक ठीक, दौड़ाएगा नहीं भाई, भयंकर भीड़ हो रही है, ऐसा देख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। वापस यहाँ से सनसेट, भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है, सन हो रहा है सेट, सनसेट हो रहा है, सेट हो रहा है। ये हिमांशु बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी, इवेंट आने वाला है। अरे हाय बोलो व्लॉग में, हाय सब लोग, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, यस ओजी टीवी देखते रहो। अरे बोलना है यार, ओजी टीवी देखते रहो। हाँ ये नहीं हो सकता यार, ये तो बंद है फाटक भाई साहब, अब क्या करूँ मैं? तो हाँ हम लोग जा रहे थे अजहान के घर, पर यहाँ पे तो यार ये फाटक बंद है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बट अब वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच। तो भाई गजब कितनी भीड़ लग जाती है भाई जब फाटक बंद होता है। हम भी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट ही है अपनी। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम, और लेट्स गो यार, शाम हो रही है, चलते हैं यार, रात ना हो जाए। सो लेट्स गो, अब घर चलते हैं। नो पेन इन देयर, सब लोग चल रहे हैं। अबे इतने हरकत दे रहे हो यार, एमजी हेक्टर सराउंडिंग देख रहे हो? सो गाइस फाइनली